वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग विद डिम्पल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए। चलिए बनाते हैं खिचड़ी प्रेशर कुकर में। अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ वाइट ऑयल और वाइट ऑयल के साथ डालूँगी 2 चम्मच घी। घी से आपके खिचड़ी का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। बंगाली में हम इसे खिचड़ी बोलते हैं, बट ये सब एक ही चीज़ है, खिचड़ी हो या खिचड़ी। ये एक बहुत क्विक एंड सिंपल खिचड़ी है जो प्रेशर कुकर में बनेगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ़ोरन। फ़ोरन में होगा तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, ज़ीरा सीड्स और उसमें थोड़े से छोटे इलायची और क्लोव्स पड़ेंगे और उसके साथ पड़ेगा दालचीनी। तो ये थोड़े अमाउंट में है, उसको आप डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा आप सॉटे कर लें। ये जैसे ही हल्का सा सॉटे हो जाए आप डाल दीजिए उसके अंदर चॉप किया हुआ एक टमाटर। इस खिचड़ी को आप कोई भी पैन, हांडी, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, बट प्रेशर कुकर में भी ये इक्वली अच्छा बनता है। टमाटर जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ जिंजर या अदरक। पेस्ट नहीं डालना है, हमें डालना है ग्रेट, इससे फ्लेवर और अच्छा एनहांस होगा। इसके बाद डाल दूंगी इसके अंदर सब्जियां। तो यहाँ पे मेरे पास था थोड़ा सा गाजर और थोड़ा सा कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, तो वो मैंने डाल दिया। उसके साथ डाल दिया थोड़ा सा आलू, बट आप अपने चॉइस का कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे बीन्स है, ग्रीन पीस, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी पड़ा हुआ है वही वेजिटेबल्स में डाल रही हूँ। डालने के बाद उसको हमें हल्का सा भून लेना है। डाल दूँगी उसके अंदर थोड़ा सा नमक और नमक के साथ हमको इसे सॉटे करना है एटलीस्ट 2 मिनट्स तक, ताकि वेजिटेबल्स जो है वो थोड़ा सा सील हो जाए। सब्जियां जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए डाल दीजिए उसके अंदर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और डालूंगी उसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर और उसको हमें एक साथ हल्का सा भूनना है। दो तीन मिनट तक हमें इसे थोड़ा सा भून लेना है। और अगर ये हमारे प्रेशर कुकर के पैन में लगता है तो नीचे की तरफ, तो आप हल्का सा पानी छिड़क सकते हैं। डाल रही हूँ इसके अंदर कटे हुए प्याज। तो प्याज जो है वो मैं बाद में डाला ताकि ये पूरा गल ना जाए और प्याज जो है वो खिचड़ी में आपको बिट्स में मिले। हल्का सा पानी डाल के मैं इसे सॉटे करूँगी ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छी तरीके से सब्जियों के साथ घुल मिल जाए। हल्का सा हमें सॉटे कर लेना है सब्जियों को। फिर डाल दूँगी इसके अंदर हरी मिर्चें, तो ये स्वाद अनुसार है। तो यहाँ पे मैंने 5 हरी मिर्चें डाला है। हरी मिर्चों से फ्लेवर आपके खिचड़ी में बहुत अच्छा आएगा। अब डालूँगी इसके अंदर धोया हुआ चावल और दाल एक साथ। तो चावल जो है मैंने गोविंदो भोग यूज़ किया है, तो आप चाहे तो इसको में कोई भी फ्लेवर्ड राइस यूज़ कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप बासमती भी यूज़ कर सकते हैं। सो गोविंदो भोग हमारे बंगाल में इजीली मिल जाता है, तो इसलिए वो मैंने यूज़ किया है। उससे खिचड़ी का फ्लेवर और बहुत एनहांस होता है। दाल जो है वो 1/2 कप कम है चावल से, तो मेजरिंग जो है वो आप एक ही आपके पास जो भी कप जिससे आप राइस मेजर कर रहे हैं उसी से आप दाल को मेजर कीजिए और उसी से ही पानी को मेजर कीजिए। दाल यहाँ पे मैंने मसूर दाल यूज़ किया है।
आप चावल को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे तो वो चावल जो है टूटेगा नहीं खिचड़ी में भी। और मैं ये पानी जो है वो मेजर करके रखी थी, तो मैंने 5 कप यहाँ पे वही सेम कप से मेजर करके मैंने यहाँ पे पानी मेजर रखा था, वो पानी मैंने डाल दिया। और पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको थोड़ा सा हिला दें, और आप थोड़ा सा सीजनिंग अभी भी चेक कर सकते हैं। वो पानी को आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नमक और चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं वो हमेशा करती हूँ। सो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, तो आप हमेशा उस पानी को चेक करेंगे तो आपको सॉल्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डाला उसमें और उसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और ये प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा अगर आप इसे हांडी में बना रहे हैं या कोई पॉट्स में बना रहे हैं। और मैं इसके अंदर बहुत थोड़ा सा शुगर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। तो एज बिकॉज़ ये खिचड़ी मैं थोड़ा बंगाली वे में बना रही हूँ, थोड़ा सा चीनी डाला है, बट वो आपके ऊपर है। और चीनी डालने से चावल जो है वो बहुत अच्छे खिले खिले से रहते हैं। और अब मैं इस प्रेशर कुकर में इसको 1 विसल तक पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, चावल और सब्जियां जो है बहुत अच्छी तरीके से पक जाता है 1 विसल में ही। तो 1 विसल के बाद आप इसको वैसे ही रख दें। पूरा प्रेशर निकल जाने के बाद उसे खोलकर उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल दीजिए। घी डालने से क्या होगा, और भी अच्छा फ्लेवर जो है वो खिचड़ी में रहेगा, और आपको ऊपर से जब आप खा रहे हैं तब घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको आप ढक के थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम पे रख दीजिए, और उसके बाद आप इसे गरम गरम परोस दीजिए ऑमलेट, आलू फ्राई या फिर बैंगन फ्राई के साथ। खिचड़ी रेडी एंड सर्व्ड। इसको मैंने सर्व किया है बैगन भाजा, ऑमलेट एंड आलू फ्राई के साथ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं, हैप्पी कुकिंग।